समझ में नहीं आ रहा है बालवीर ने हम पे हमला क्यों किया। मेहर कहीं हमारा बालवीर बुरा तो नहीं बन गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ वो हम पे हमला कर रहा है और एक तरफ से वो कह रहा है कि भागो बच्चों हमसे। बच्चों अब बालवीर तुम्हारा बालवीर नहीं, मेरे हाथों की कठपुतली बन चुका है। अब वो चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एक और नमूना देखा। मजा आ रहा है बच्चों, बहुत मजा आ रहा है। बच्चों बाली दोस्तों अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बालवीर आ गया है, वो हमें बचा लेगा, है ना बालवीर? हाँ बच्चों, मैं अभी तुम सबकी मदद करता हूँ। बहुत मदद कर ली तुमने इन बच्चों, अब मैं इन बच्चों के मन में तुम्हारे लिए नफरत भर दूंगी। क्या हो रहा है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पैर मेरे काबू में नहीं है। बालवीर आ गया! बालवीर प्लीज हमारी मदद करो प्लीज। हाँ बच्चों मैं आ रहा हूँ। नकली बेंच बन गया, अब मानव और मेहर आएंगे, इस बेंच पर बैठेंगे और नीचे गिर जाएंगे, फिर पूरी क्लास के सामने उनका मजाक बन जाएगा और फिर मोंटू बॉस मुझ पर खुश होंगे। मोंटू बॉस अरे रोहित मैं तुझे क्या दिखाना चाहता हूँ? एल्बम में क्यों देखूं? एक मिनट रुक। ये ले। नहीं नहीं, तेरी हर चीज खतरनाक है यार। अरे ये ओरिजिनल है। रुक। ये ले। रोहित। वाह। अकेले अकेले चॉकलेट खा रहे, चॉकलेट ला। वैसे चॉकलेट मोहित की, तू खा ले, मेरा पेट भरा हुआ। मैं रोहित को ना अपना नेक्स्ट प्लान दिखा रहा था। देख मेरे भाई मोहित, हमें तेरे प्लान से कोई लेना देना नहीं है, है ना? मुझे तेरे प्लान के चक्कर में वापस मेरी बैंड नहीं बजवानी है। चल रोहित। अरे अरे मोंटू बॉस एक बार मेरा प्लान सुन लो। अरे मोंटू बॉस, इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया कि मानव और मेहर की जो बैंड बजेगी ना उसको देख के आपको मजा आ जाएगा। वाह 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 मोहित, चल प्लान सुना। एक मिनट, एक बात तू कान खोल कर सुन ले, अगर तेरा प्लान मुझ पे उल्टा पलटा तो तेरी ऐसी बैंड बजाऊंगा कि असली मजा मुझे आएगा, समझा? चल अब प्लान सुना। मोंटू बॉस यार
बेंच तो दिख रहा है पर यहाँ बेंच है नहीं। अरे मोंटू बॉस, यही तो मेरा प्लान है। ये प्रोजेक्शन से क्रिएट हुआ बेंच है। हाँ? वो देखो प्रोजेक्टर। जैसे ही मानव और मेहर आएंगे वो यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ से नीचे गिरेंगे और पूरी क्लास के सामने उनका मजाक बन जाएगा। देखा तू? स्मार्ट बॉय। चल हाथ दे। गुड जॉब, गुड जॉब मोहित, गुड जॉब। और हाँ, मुझे पता है ये बेंच ना प्रोजेक्शन से बनी थी। वो ना मैं तो बस ऐसे टेस्ट टेस्ट प्रोजेक्शन से बनी है ना। हाँ। और हाँ, यहाँ पे मानो मेरे ऐसे गिरेंगे राइट, फिर उसके बाद वो उठेंगे और फिर ये बेंच पे जाके बैठेंगे और यहाँ भी गिरेंगे क्योंकि ये बेंच भी प्रोजेक्शन से बनी हुई है। ये बेंच प्रोजेक्शन से क्यों नहीं बना? अरे बॉस, प्रोजेक्शन से एक ही बेंच बनता है। ये प्रोजेक्टर की तो ये कौन सी मायावी शक्ति है जिसने मेरे शरीर को अपने वश में किया है? मैं ना चाहते हुए भी क्यों हंस रहा हूँ? क्यों बालवीर, हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे और तुम हंस रहे हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ और कभी कर भी नहीं सकोगे बालवीर। बालवीर तो वापस जा रहा है। बालवीर प्लीज ऐसा मत करो, हमें यहाँ पे छोड़ के मत जाओ। बालवीर अगर तुम हम सब बच्चों को छोड़कर चले गए तो हम सब तुमसे नफरत करने लगेंगे। नहीं बच्चों, मैं यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम बालवीर से नफरत करो। बालवीर रुको, बालवीर बालवीर रुको प्लीज, बालवीर मैं बचाऊँ भी बहुत डर लग रहा है। रुको बालवीर, नहीं नहीं चला गया बालवीर, तुम सबको मुसीबत में छोड़ कर। पहले ये सोचो कि हम इस मुसीबत से बाहर कैसे जाएंगे। बचाओ मुसीबत में फंसे हुए। बालवीर को हमें ऐसी मुसीबत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अब बालवीर हमारा बीवी भी नहीं रहा, वो बदल गया है। ये क्या कह रहे बच्चे? बालवीर, बालवीर ने मुसीबत में छोड़ के कैसे चले गए? ऐसा कैसे कर सकते हैं बालवीर? हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे बालवीर। मुझे बच्चों को इस मुसीबत से बचाना होगा, मुझे कुछ करना होगा। भागो! आखिर बालवीर ने बच्चों की मदद क्यों नहीं की? भगवान, सुबह शाम बस कचरा कचरा कचरा, काम काम और काम। ये झाले हो गए घर में। अरे भगवान, नहीं हो रहा। अजी सुनते हो? क्या है बोलो। देखिए ना, अभी आप उड़ रहे हैं ना, तो इस घर के ऊपर के जाले साफ कर दोगे और वो क्या है कि आपका भी मन बहल जाएगा और घर की सफाई भी हो जाएगी। हाँ लाओ,
लो लो पकड़ना। कस्तूरी तुम क्या कर रही हो? सॉरी सॉरी माय जोल्ट। अरे जोल्ट नहीं फोल्ट फोल्ट। हाँ वही सेम टू सेम जोल्ट देती हूँ। पकड़ो और ये तीन। बाबा सीख गए। कहाँ साफ करना है? इस तरफ इस तरफ। बस हो गया? हाँ हो गया बस। ये लो। हो गया कस्तूरी और कुछ? हाँ ऐसे तो बहुत कुछ है पर सिर्फ एक 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 लास्ट काम। लास्ट अभी आप ऊपर हो तो वो पंखा भी साफ कर दो ना। लो। हाँ लो लो। अरे वहां तक हाथ तो नहीं पहुंच रहा क्या करूं? पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? अरे 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 महेश मीता जल्दी आओ। बापूजी अरे वाह क्या हुआ? बाबूजी बड़ा मजा आ रहा था। एक बार फिर से अरे अरे मेरा सर सर को छोड़िए बाबूजी ये देखिए कि आप नीचे नीचे जमीन पे आ गए हैं। आप ठीक हो गए? माँ बाबूजी के लिए आज तो मीठा बनता है। हाँ एक अच्छा सा कुछ बढ़िया सा मीठा बनाना है। क्या ये आप क्या कह रही है बिचार परी? बालवीर बच्चों को मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा बालवीर ऐसा कैसे कर सकता है। हम बालवीर से इस गलती का जवाब मांगेंगे। रानी परी देखिए आ गया बालवीर। रानी परी परी मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। बालवीर हमें कुछ नहीं सुनना है। अब हम जो सुनेंगे रानी महल में ही सुनेंगे। लेकिन रानी परी मेरी बात तो राम बालवीर हमने आपसे कहा ना कि अब जो कहना सुनना होगा रानी महल में ही होगा। परियों रानी महल की ओर चलिए। जी रानी परी। मैं चल क्यों नहीं पा रहा? इसी पल का इंतजार था मुझे बालवीर। अब इतना बड़ा अपशकुन करवाऊंगी तुमसे। मां परी की पवित्र मूर्ति को तुम खुद नष्ट करोगे। लगता है वो अदृश्य शक्ति फिर से मुझे अपने वश में कर रही है। जादुई दंड को नीचे कीजिए।
आप माँ परी की मूर्ति को हानि पहुँचाने जा रहे हैं। रानी परी, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। मेरा हाथ अपने आप ऊपर आ रहा है। क्या कह रहे हैं आप बालवीर? देंगे।